हम सोनिया गांधी कॉलोनी में रहते हैं। हमारे को 19 साल हो गए कॉलोनी में रह के। हमारे कॉलोनी को ना रोड है, ना ड्रेनेज है, ना नल है, खाली रोड कुछ लाइटा हैं, गलिया में तो लाइटा नहीं, क्या भी नहीं। बारिश आया तो पूरा गंदा पानी घरों में घुस के आता, और पूरा नालियों का पानी, बच्चों को चलने नहीं आता, और बड़े बूढ़े आदमियों को, औरतों को चलने नहीं आता, गिरती। बहुत तकलीफ़ हो रही है हमारे को, चिक्कड़ से तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। और गाड़ियाँ नहीं चलते, आटोवा नहीं चलते, आटोवा सब कमान के पैसे छोड़ के चले जाती है। हमारे को आने घरों को बहुत तकलीफ़ होती है। मेहरबानी करके जो जिम्मेदार हैं इसके, वो लोग ये काम करा के दिए तो बहुत बहुत मेहरबानी होती है। कमिश्नर ऑफिस को गए थे, गए तो उन्होंने दूसरे दिन आए हमारे पास विजिट करने के लिए। आए तो उन्होंने बोले हमारे को ये कॉर्पोरेशन में नहीं आता बोले, हालांकि हम वोट डालती हम लोग। ये देखो ये फोटो है हमारे कॉलोनी के बोर्ड की, ये फोटो है हमारे कॉलोनी के बोर्ड की। हम वोट डालती MLA इलेक्शन को भी डालती, MP इलेक्शन को भी डालती, आज से नहीं बोले तो 10 साल से हम वोट डालते आ रहे हैं, फिर भी हमारा कॉलोनी कम इसमें कॉर्पोरेशन में नहीं है बोल के बोलते गए। तो अब आके बोले उन्होंने कमिश्नर साहब, नहीं जी हमारे कॉर्पोरेशन को नहीं आता, हमारे हम नहीं करते ये काम बोल के चले गए। बोल हम मैडम के पास भी एक दो बार गए थे, दो क्या तीन बार गए थे। मैडम हमारे को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिए, और जब भी जाती बोलती हाँ बोल के बोलती, चुप आते नहीं, देखते नहीं, क्या भी नहीं। अगर इसके बाद हमारे को अगर यहाँ ड्रेनेज रोड इसका सब भी इंतज़ाम नहीं हुआ तो आने वाले इलेक्शन में हम किसी को भी वोट नहीं डालेंगे। और बोले तो हम रिंग रोड जाके हागरगा रोड को ब्लॉक कर देंगे। मेरा नाम मोहम्मद जाफर है, मैं सोनिया गांधी कॉलोनी में रहता हूँ, और मैं रिहाफ इंडिया फाउंडेशन का सदर हूँ सोनिया गांधी कॉलोनी का। सोनिया गांधी कॉलोनी में 19 साल से रोड नालियाँ का काम है नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब तक जो भी कमिश्नर रहे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करे तो आको साफ़ करते थे, नालियाँ साफ़ करते थे, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का काम चलता था। ये जो नया कमिश्नर आए, जो नए कमिश्नर आके यहाँ सर्वे को आते बोल के हम एक लेटर दिए थे, देने के बाद दूसरे दिन सर्वे को आए, सर्वे को आकर वो क्या बोलते बोले तो ये सोनिया गांधी कॉलोनी हमारे इसमें कॉर्पोरेशन में नहीं आती बोल को बोलते। तो मैं एक लेटर लेकर कॉर्पोरेशन में आती बोल को हमें नालियाँ वो साफ़ करते बोल को कमिश्नर साहब बोल के चले गए। और ये सबसे बड़े जिम्मेदार जो हैं, ये जो इलेक्शन के परेड में जो आते मैडम वोट मांगने के वास्ते, सोनिया गांधी कॉलोनी में आकर मेरे को वोट डालो, मैं काम कर दूँ पूरे तुम्हारी कॉलोनी का। मेरे हस्बैंड भी सोनिया गांधी कॉलोनी को बहुत काम करे बोल के जो वादे करके चले गए। इलेक्शन के बाद जब आप जीत गए, कॉलोनी आप देखे नहीं, आकर आजू बाजू कॉलोनी के चौ तरफ आकर रोड का एक ये करते हैं, उद्घाटन करते हैं, नल की पाइपलाइन का उद्घाटन करते हैं। वहाँ से ज़्यादा आबादी यहाँ सोनिया गांधी कॉलोनी में है। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, आकर आप सोनिया गांधी कॉलोनी को ज़रा देखो, ऊपर तक मत आओ, ज़रा नीचे भी इंसान रहते हैं, आकर देखो अब नीचे तक भी। रोड का काम पूरा बाकी है, रोड बूढ़े लोग कई लोग गिरे हुए हैं, उनके हाथा पाँव तोड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं। बताओ बोले तो प्रूफ भी बता दो मैं किसके किसके हाथा पाँव टूटे हुए हैं। यहाँ की रोड की हालत बहुत ख़राब है। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, हम कारपेंटर को करते थे क्योंकि कारपेंटर का पीरियड अब ख़त्म हो चुका है, 2 साल हो गया। अब मैडम के हाथ में है, मैडम से गुजारिश है कि आकर आप अपने सोनिया गांधी कॉलोनी को देखें, क्योंकि सोनिया गांधी कॉलोनी वो तो कांग्रेस की कॉलोनी है। आप आकर ये कॉलोनी को ध्यान देना है, क्योंकि कॉलोनी से आपको पूरे गुलबर्गे में पहचाना जाता है। एक्चुअली हमें रिहाब इंडिया फाउंडेशन से चार हमें अडॉप्ट करते हैं विलेज, ये 4 साल वो अडॉप्ट करके हमें एजुकेशन हेल्थ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ड्रिंकिंग वाटर, ये 4 प्रोजेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें सब करके है ना रोड ये सब दलाए में ये UGD सब भी शरण प्रकाश पाटिल रहे तक करको गए, वाटर पाइप भी दलाए उन्होंने। उसके बाद से 2016 से पिल्लर टू पोस्ट हमें फिर ले को ही 9 कमिश्नर चेंज हो गए, रीजनल कमिश्नर, असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर सबको भी बात करके हुआ, प्राइम मिनिस्टर से लेको नीचे तक भी पूरा लेटर्स देखो हुआ। अब क्या बोलते हैं करके बोले तो कमिश्नर कॉरपोरेशन को नहीं आती बोल को, ये रजिस्टर हो रहा है सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी टैक्स ले रही, और हमें प्रोजेक्ट भी जो है हमारा वाटर प्रोजेक्ट भी कॉरपोरेशन को सबमिट करके ही,
एक्सेप्ट कर गई कॉर्पोरेशन से। इसके बावजूद भी क्या है, 20 लाख का प्रोजेक्ट हमें कॉर्पोरेशन को सबमिट करे सो, स्पॉन्सर करे सो। इसके बावजूद भी क्या, अगर बोले तो परस कल हमें अप्पूकोटा के पास गए थे, उन्होंने KKRDB के चेयरमैन है ना, उन्होंने क्या बोलते हैं, बोले तो है ना ये हमला नहीं आता, नॉर्थ हुआ था, तुम्हें MLA के पास जाओ बोलते हैं। मैं बोलिया तुम्हारे पास आया सो, मैं तुम्हें KKRDB के चेयरमैन करो बोल को आया सो, सब भी तुमने आता बोल को मैं तुम्हें आया सो, बोले तो इन तुम्हें तुम्हारे MLA के पास जाओ, और ऐसा बोलते हैं। MLA को भी लेटर देखो, 1 से 4 लेटर देखो MLA को भी। उसके बावजूद भी जो है हालत बहुत ख़राब है इनकी, बूढ़े बच्चे सब भी, बारिश आया तो घर के अंदर पानी जाता। ये पूरे फोटोज भी हमें सबको भी मैंने देखो, पूरे डिपार्टमेंट्स को, रीजनल कमिश्नर को, असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर को, मोदी को, प्राइम मिनिस्टर को भी देखो, चीफ मिनिस्टर को भी देखो, येडियुरप्पा को, और उसके बावजूद हेंगे MLAs को भी देखो, उसके बावजूद भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बोले तो है ना आज गए तो है ना, नहीं है तुम्हें कॉर्पोरेशन में नहीं आता, तुम्हें वो लैंड इससे जाको ले लको, तुम्हें क्या वो लैंड ये है ना रिकॉर्ड्स वहाँ गए को, बोले तो तुम्हें यहाँ नहीं आता, LRD को तुम्हें जाओ वहाँ मिलता है को। वहाँ गए तो ऑफिस क्लोज, वैसे ज़िला पंचायत को, ज़िला पंचायत हमला नहीं आता, तालुक पंचायत हमला नहीं आता, ग्राम पंचायत हमला नहीं आता, कॉर्पोरेशन हमला नहीं आता। अभी एक्चुअली ये कॉलोनी का आसमान और ज़मीन के बीच में है, समझ में नहीं आ रहा। गुलबर्गा नाथ मैडम के पास भी गया था, अब फिर अब वो आउट ऑफ स्टेशन है, अब फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कल जाकर मिलना का मेरा इरादा, आतिम बोल को बोले, अब फिर देखेंगे कल जाकर मिल को बात करेंगे उनको, अब क्या बोलती हैं देखेंगे। अगर उन्होंने फ़ोन करको KKRDB के चेयरमैन को फ़ोन करको बोले तो है ना ये काम हो जाता। एक तो KKRDB चेयरमैन को फ़ोन करना उन्हों और कमिश्नर को फ़ोन करना, चरण प्रकाश पाटिल भी फ़ोन करे थे कमिश्नर को लास्ट टाइम, तो चरण प्रकाश पाटिल भी क्या बोले, तुम्हें मैडम से जाकर मिलो जिक्र को बोले। अब मैडम को मिले तो भी क्या भी काम नहीं हुआ, अब फिर देखेंगे, फिर एक बार कल जाकर मिलेंगे, उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह वो क्या करती है मैडम, क्या उसे फ़ोन करके बोलती हैं क्या नहीं बोलते हैं, देखेंगे क्या होता बोल को। वो क्या भी नहीं करता, अब रोड बंद करना पड़ता, रिंग रोड पूरे पब्लिक आवाम क्या करते हैं, पूरा रिंग रोड जाम कर दिया। जाम करने के बाद मैं ना आते क्या करते हैं देखिए, वो किससे जाते हैं क्या करती है बोल को, उन्होंने बोले दे हमने, हमें सब जगह फिर को होगा, इन जिस जिस जगह में गए थे वो सब जगह, इतना बड़ा फाइल है मेरे पास, 2000 से ज़्यादा लेटर्स हैं मेरे पास, जो ट्रांजेक्शन है 3-3, 4-4 बार हो गए सो ट्रांजेक्शन है सो फैला ही मेरे पास। ताकि मेहरबानी से इसका क्या है सो देखो, हल निकाल को है ना, यहाँ की पब्लिक को सहूलत करें दे, हमने उत्तर ज़्यादा क्या भी नहीं है। स्कूल में जो है, स्कूल में जो पानी खड़को है तो मैं फ़ोटो लिया स्कूल की, वो पूरे बच्चे वो उसमें स्कूल को जाती, अब कोरोना है बल्कि स्कूल बंद है। अब नहीं तो है ना, मैं कई बार वो नालियाँ साफ़ कराया, अब उन्होंने हेल्थ इंस्पेक्टर आती है वो नालियाँ साफ़ कराती सब करती, अब वो स्कूल के बच्चों को भी करको ज़रा कोऑपरेट करको हेल्थ इंस्पेक्टर को, तब जब वो नालियाँ क्लीन करती, वो नहीं करे तो है ना और भी मच्छर रहते थे, मोटे मच्छर रहते हैं यहाँ बच्चे डेंगू, अब हालात सही नहीं है, कहाँ देखे तो कोरोना के मरीज़ हैं। उसके वास्ते कम से कम ज़रा पाकी सफाई का ख्याल रखे तो है ना, ये गवर्नमेंट है कि पब्लिक को भी थोड़ा सहूलत होती है। सायरा आ रही नहीं उन्हों, कभी भी नहीं रहते वहाँ, अब जाको क्या भी बात करना बोला तो रहे तो इतना बात करना होता, नहीं नहीं आंगनबाड़ी में बेहतर है वो ज़रा सहूलत कर को, आंगनबाड़ी कर को, ये बच्चों को एजुकेशन का ये कर को, सब बाकी सफाई का ख्याल रखे तो बहुत अच्छा रहता। ये मेरी रिक्वेस्ट है कमिश्नर से, वंदे जो डिपार्टमेंट वाले, जो कनेक्टेड डिपार्टमेंट वाले हैं, ये लोग ज़रा इतना पोजीशन देख को ना ज़रा सहूलत करे तो पब्लिक को।